दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की एक महिला पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सी 130 नंबर वार्ड से सुनीता नाम की महिला आम आदमी पार्टी पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ऐसा करके बीजेपी ने निगम की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ाने की कोशिश की है और वो भी ठीक मेयर चुनाव से एकदम पहले। वैसे कोई पहली बार नहीं हुआ है जब आम आदमी पार्टी के पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली हो। इससे पहले 24 फरवरी को जब मेयर चुनाव हो रहा था तो उसी दिन आम आदमी पार्टी के बवाना के पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अब जब दोबारा से मेयर का चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बताने वाली बात यह है, आप समझते ही होंगे कि दिल्ली नगर निगम के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्षद किसी भी पार्टी के टिकट पर आए और किसी पार्टी के टिकट पर वो जीत कर आ जाए, लेकिन वो चाहे तो उस पार्टी के साथ रह सकता है, चाहे तो किसी और पार्टी के साथ रह सकता है, किसी को भी वो वोट कर सकता है। तो इस तरह से ये आम आदमी पार्टी के घोषित रूप से दूसरे पार्षद हैं, यानी कि दो पार्षद आम आदमी पार्टी के जब से जीत कर आए हैं अब तक टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये काम कर रही है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है मेयर हम बना लेंगे, मेयर हम बना लेंगे, मगर एक दो वोटों से इधर उधर होने से भारतीय जनता पार्टी की मेयर नहीं बनेगी। मैं आज भी चुनौती दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अभी तो है 26 तारीख को इलेक्शन, बनाओ अपना मेयर, नहीं बनेगा, नंबर इनके साथ नहीं। अब सवाल यह है कि ये जो दल बदल हो रहा है या जो आम आदमी पार्टी के पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, इससे आम आदमी पार्टी की कितनी चिंता बढ़ सकती है या मेयर चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? तो मेयर चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हां संख्या जरूर लगातार आम आदमी पार्टी की घट रही है और बीजेपी की बढ़ रही है। अब समझिए कैसे। जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, नतीजे हुए एमसीडी के, तो उस समय जो स्थिति थी दिल्ली के अंदर वो ये थी कि आम आदमी पार्टी 134 पार्षद, बीजेपी 104, कांग्रेस 9 और 3 निर्दलीय। उसके बाद अभी जो स्थिति हो गई है निर्दलीयों और सबको एडजस्ट करने के बाद में, सबका ये देखते हुए कि घोषित रूप से कौन किस तरफ है, तो अब जो स्थिति हो गई है वो ये है कि आम आदमी पार्टी 133, बीजेपी 108 और कांग्रेस 9 पार्षद। तो ये अभी स्थिति हो गई है और अब जब मेयर का चुनाव दिल्ली के अंदर होगा तो उस सूरत में स्थिति क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि आम आदमी पार्टी के 133 पार्षद हैं, साथ में 13 विधायक और हैं और 3 सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के हैं, तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी का आंकड़ा हो गया है 149, जबकि जो बीजेपी है उसका आंकड़ा जो हो गया है वो हो गया है 108 पार्षद प्लस 1 विधायक और 7 सांसद, तो कुल मिला के 116 जो है आंकड़ा बीजेपी का हो गया है। स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी काफी आगे है, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है वो नीचे आ रहा है। और अगर इस तरह से दिल्ली की सत्ताधारी यानी कि विधानसभा के अंदर जो सत्ताधारी है वो आम आदमी पार्टी है, निगम के अंदर जो सत्ताधारी है वो आम आदमी पार्टी है, तो भले ही केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी हो, लेकिन अगर निगम की सत्ताधारी और विधानसभा की सत्ताधारी पार्टी के पार्षद टूटेंगे तो इससे जो है पार्टी के बारे में परसेप्शन खराब होता है, मनोबल जो है जरूर जो है पार्टी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का वो जरूर हिलता है। तो इस बारे में आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि आखिर क्यों जो है ये टूट फूट उसकी पार्टी में हो रही है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अचानक से हो गई हो या इसका आइडिया ना हो, ये पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही थी जब चुनाव नहीं भी हुए थे कि अगर जो पार्षद हैं वो इधर उधर हुए या दल बदल हुआ तो उस सूरत में क्या होगा,
कैसे होगा, तो वही सब जो पहले से ही चर्चा चल रही थी वही आज के समय में हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के अब तक कुल मिलाकर कम से कम दो पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।